शिवपुरी जिले के पोहरी कस्बे की भगवती कॉलोनी में रहने वाले शिक्षक गिरीश गुप्ता के सुने मकान को निशाना बनाते हुए चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। चोर शिक्षक के सुने घर में दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर घुसे और घर में रखे सोने चांदी के जेवरात 3.5 लाख रुपए नकदी समेत अन्य कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए हैं। शुक्रवार को घर लौटने पर शिक्षक को चोरी का पता चला, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि शिक्षक गिरीश गुप्ता बच्चे का इलाज कराने दिल्ली गए हुए थे और इसी दौरान उसके सुने घर को चोरों ने निशाना बनाते हुए चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। चोर शिक्षक गिरीश गुप्ता के घर से सोने के हाथफूल, 2 जोड़ी कान में पहनने की झुमकी, छोटी बड़ी 5 जोड़ी अंगूठी, लेडीज जेंट्स 6 गले का सेट और 3 जोड़ी छोटा मंगलसूत्र, चांदी की बिछिया, पायल, 1 किलो चांदी सहित 3.5 लाख रुपए नकद और 2 मोबाइल घड़ियां लेकर भाग गए। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।